हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ फ्री फायर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इस गेम को मैंने पहले कभी नहीं खेला और मैं फर्स्ट टाइम इस गेम को खेल रहा हूँ और देखते हैं हमें इसके अंदर जीत पाते हैं कि नहीं। जैसे कि पबजी के अंदर होता है चिकन डिनर, तो इसमें शायद बोया का सिस्टम है, तो मैं मतलब विन हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ, और इसी पे आज का ये पूरा वीडियो है। और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ शानदार एक गेम प्ले, और जो कि है स्क्वाड वर्सेस सोलो। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड मैं यहाँ पे खेलने वाला हूँ। मैं हूँ अकेला और सामने मिलने वाली है मुझे काफ़ी सारी स्क्वाड, और पता नहीं यार इस गेम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन चलिए देखते हैं तो क्या मैं जीत पाता हूँ कि नहीं जीत पाता। और इसके मैप के बारे में मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि इस मैप के अंदर क्या है, कहाँ पर उतरते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बंदे मिलते हैं, और नए मेरे को इसके वो जो वेपन्स वगैरह है उनके बारे में पता है कि भाई कौन सा वेपन्स अच्छा है। क्योंकि पबजी के अंदर तो भाई आप लोगों को पता होगा कार 90K वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, और इसके अंदर क्या कुछ मिलता है वही सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और रियली दोस्तों, इसके अंदर मैं आप लोगों को जीत के भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मिलने वाले सामने सब चार चार प्लेयर, और मैंने यहाँ पर जो अपना प्लेयर सेलेक्ट किया है वो है सिंगल प्लेयर। तो आई होप आज का वीडियो आप जरूर एंजॉय करोगे और आप लोगों को जरूर मज़ा भी आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो अभी हमारा कुछ देर बाद ही मैच स्टार्टिंग हो जाएगा। और इस गेम के अंदर यार दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर पिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। पबजी के अंदर 300-350 के तकरीबन हमारी पिंग पहुँच ही जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैच स्टार्ट होते हुए, और रियली यार मेरे को मैप के बारे में मेरे को नहीं पता, शायद आप लोग तो खेलते होंगे इस गेम को तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से पता होता है कि भाई कहाँ पे ज़्यादा एनिमी होते हैं, कहाँ पे क्या कुछ होता है। तो और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गेम लैग भी हो रहा है, और चलिए देखते हैं। सबसे मैं मैप ओपन कर लेता हूँ। तो प्लेयर हमारा इस साइड से आ रहा है, और मैंने यहाँ पर मार्किंग करके चेक किया, और मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पर उतर रहा हूँ, और मैंने यहीं पर जंप लगा दिया है, ठीक है। और जंप लगाते ही देखते हैं दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे जल्दी उतर पाता हूँ कि नहीं, मेरे को वेपन्स वगैरह मिल पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस चीज़ में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे आपका यहाँ से पैरासूट ओपन होता है, ठीक है, तो आप लोगों को देखिए लेफ्ट या राइट मूव करना है, ठीक है। जितना आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे उतना ही आप स्पीड से नीचे मतलब जो भी एनिमी उतर उनसे उतर पाओगे। और मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले उतर के यहाँ से कुछ ये वेपन्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से अपने वेपन्स उठाने स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पर काफ़ी से हो सकता है कि काफ़ी सारे स्क्वाड भी उतरे, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और मैं यहाँ से देखिए मैं फटाफट वेपन्स उठा लेता हूँ, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे अब काफ़ी सारे बंदे उतर रहे होंगे, और सामने शायद मेरे को लगता है वीएस पड़ी है, और मैं यहाँ से वीएस ले लेता हूँ क्योंकि अच्छी गन है, और क्योंकि पबजी के अंदर देर काफ़ी अच्छी चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चलती है, कैसी चलती है। और मेरे पास एक दूसरी गन है, उस गन का नाम तो मेरे को एक्चुअली नहीं पता क्या है, और मुझे मिला यहाँ पे दो ब्लड, आई मीन टू से के दो एनर्जी, जैसे कि हम। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कोर दो, और ये यहाँ पे मैंने फाइट स्टार्ट कर दी, और मेरा गेम यार काफ़ी हद तक लैग भी हो रहा है, और बच्चे को मार रहा हूँ और ये दौड़े हुए जा रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो तो आप लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए, और सामने वाले प्लेयर को किल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप दौड़ते हो, ये देखिए यहाँ पे बंदा है, और मैं इसको ईजिली किल कर दूंगा। यहाँ पे कहाँ गया, देखो शायद इस साइड है, ये देखिए दोस्तों किल कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए, प्लेयर को किल कर देना चाहिए, और दौड़ना तब चाहिए कि तब यार काफ़ी सारे। ये देखिए दोस्तों, इसका स्क्वाड का शायद ये दूसरा मेंबर है, इसकी स्क्वाड का हो सकता है दूसरा मेंबर, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मैं इसको भी किल कर दूंगा यहाँ पे। और देखते हैं कहाँ गया, मुझे तो फिलहाल पता नहीं किस साइड चला गया। और देखो ये दौड़ रहा है, और देखो तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने उसको बड़ी इजीली यहाँ पे इसको किल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दौड़ते हुए जा रहा है। और देखिए अब मैंने वीएस निकाली, और मैं अभी इस पर 2-3 शॉट लूँगा और ये ढेर हो जाएगा, ये ले। तो दोस्तों, मैंने इसको देखिए यहाँ पे, इसको बंदे को यहाँ पे मैंने किल कर दिया, और इसके पास कुछ मुझे अच्छी लूट मिल सकती है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या लूटने को लिए मिलता है। तो देखते हैं भाई, अभी मरा नहीं है, रेंगते हुए जा रहा है, और ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से पूरी तरह से किल कर दिया। तो चलिए देखते हैं मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है इस बंदे के पास। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इस गेम में मेरे को आप लोगों को जीत के दिखाना है, और देखते हैं मैं जीत पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, इस पे पास पड़ी हुई है मेरे पास UMP 9 और AR की कुछ एमओ, तो मैंने AR की एमओ उठा ली, और मैं कन्फ्यूज़ हूँ UMP 9 लूँ कि फिर क्या करूँ। तो मैं UMP 9 को नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं। और दोस्तों, मेरे को एक और एक यहाँ पे एक अच्छी गन मिल गई, शायद ये PO कुछ ऐसा करके, और पता नहीं मैंने सुना इस
गन के बारे में काफ़ी कुछ, और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड है कि ये गन बेस्ट है इस गेम के अंदर, एक गन बेस्ट है। और यहाँ से मैं इसकी सिर्फ एमओ उठा रहा हूँ जो कि हमारे पास पबजी के अंदर है 5 mm वाली, ठीक है। तो मैंने 5 mm वाली यहाँ से एमओ उठा ली, और मुझे इन गनों के अभी एक्चुअली नाम भी नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं मेरे 2 किल, और मैं यहाँ से थोड़ी सी मलम पट्टी कर लेता हूँ अपनी, और उसके बाद दुश्मन को देखता हूँ यहाँ पे एनिमी कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल कोई भी एनिमी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए और आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ और एमओ वगैरह मिल चुकी हैं, और मैं प्लेयर देख रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही बंदे उतरे थे, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे किल कर चुका हूँ, और इसके शायद अलावा यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर, अगर मुझे कुछ एमओज वगैरह मिल जाती हैं तो देखते हैं यहाँ पे। तो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और चढ़ते ही यहाँ से जो भी मेरे को एमओ वगैरह मिलेंगी, मतलब हेल्थ किट वगैरह, वो सब मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा ताकि आगे चल के मेरे को काम आए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं देखिए यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक एमओ का पैकेट है, SMG एमओ का यहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो शायद मेरे किसी कोई काम का नहीं था। और मैं अभी यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, और नीचे उतरते शायद मेरे को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे मेरे को और कितने प्लेयर मिलते हैं। और इसमें कुछ जड़ी बूटी जैसा है, और छतरी जैसा कुछ यार, पता नहीं अजीब टाइप का मशरूम जैसा उगा हुआ होता है, उसको खाने से अपनी हेल्थ मतलब बरकरार रहती है, और काफ़ी देर तक हम फाइट कर सकते हैं, और हमारी मतलब हेल्थ कम होती है। तो आप लोग मेरे से ज़्यादा खेलते होगे इस गेम को, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि। और अगर आप लोग भी मेरे साथ मतलब इस लाइव स्ट्रीम जब मैं करूँगा तो खेलना चाहते हो, तो आप लोग मेरी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अभी नहीं, अभी वैसे तो मैंने अभी डिस्कॉर्ड बनाई नहीं है, मैं बनाऊँगा ज़रूर, और क्योंकि मैं पबजी को तो लाइक नहीं करता पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी। और ये देखिए दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा, तो मैं कुछ इसके बारे में बात करूं दोस्तों, ये मशरूम टाइप है, पता नहीं क्या चीज़ है, और इसको वो क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद ज़रूर पता होगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये कुछ पीला पीला एक और हेल्थ बार यहाँ पे मेरे को शो होती हुई, और यहाँ पे शायद दोस्तों आगे कुछ एमओज वगैरह दिख रही है, और ये पता नहीं क्या है, इसका मुझे यूज़ नहीं आता, स्नाइपर एमओ, अच्छा शायद ये VS के लिए एमओ हो सकती है, इस पर लिखा स्नाइपर एमओ, तो मैंने उसको नहीं उठाया क्योंकि मेरे को उसका एक्चुअली यूज़ ही करना नहीं आता। और ये मुझे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और मेरे को ये मशरूम टाइप मिले हैं, तो मैं इसको भी यहाँ से लगा लेता हूँ। और एनिमी देखते हैं यहाँ पे, भाई एनिमी कुछ है अभी यहाँ है नहीं, 31 अलाइव है, मैंने 2 किल किए हैं। तो दोस्तों मैं मतलब 1 दर्जन किल करने की सोची है, मतलब कम से कम 10-12 किल तो करूँगा, और साथ में जीतूँगा भी, तो पता नहीं इस मैच में मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन देखते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और सामने मेरे को यहाँ पे गाड़ी भी दिख रही है, और मैं यहाँ से गाड़ी यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि पता नहीं गाड़ी के कंट्रोल कैसे होंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अजीब तरह तक, क्योंकि पबजी के अंदर हम गाड़ी हम मैंने काफ़ी बार यूज़ की है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पे फायरिंग हुई है, लेकिन किस साइड से हुई है मुझे मतलब एग्जिट, देखो वो शायद सामने की साइड से, मुझे एग्जिट लोकेशन तो नहीं पता उस बंदे की। और हाँ शायद अब मुझे मैंने उसको डिफाइंड कर लिया, और ये बंदा जो मार रहा है, और ये देखिए दोस्तों मैंने उसको बड़ा इजीली किल कर दिया, और अभी भी कोई मेरे पे फायर कर रहा है। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ से किल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, और अभी भी मेरे को कोई शूट कर रहा है, और शायद वो उस मेरे लेफ्ट साइड से राइट साइड से आ रही है, और वो अभी मरे नहीं है दोनों बच्चे, ये लीजिए दोस्तों मैंने इसको नॉकआउट कर दिया, और इसके पास मुझे कुछ अच्छी लूट मिल सकती है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से किल कर सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरी तरह से किल कर दिया, और देखता हूँ मुझे अब इसके अंदर से क्या लूट मिलती है। और वो जो मैंने 3 प्लेयर पीछे नॉकआउट किए, शायद वो भी अभी धीरे धीरे होके किल हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 11 MO बची हुई है, और इसके पास यहाँ पे एमओ काफ़ी सारी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एमओ कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों वो प्लेयर भी मर गए, और मेरे पास हो चुके हैं 5 किल, और यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्थ वगैरह है मेरे पास, तो मैं चलिए पहले अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी आगे फाइट करनी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 10 से 12 14 जितने भी किलो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे एक शायद बंदा सामने की ओर स्पॉट मैंने कर लिया है, और वो शायद मेरे पे एम करने की ट्राई कर रहा है, और उससे पहले वो एम करे मैं उसको एम करके यहाँ पर मार दूंगा। ये देखिए दोस्तों उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब ये दौड़ेगा, तो ये बेसिकली गलत चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे कभी दौड़ना नहीं चाहिए। एक उससे भी पीछे की साइड से एक बंदा और दौड़ता हुआ जा रहा है, और मैं इन दोनों बंदों को किल कर दूंगा, 100% किल करूंगा इनको। तो मैं फायरिंग यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे कंटिन्यू,
तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन पे फायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन शायद पैन के अंदर लग रही है, तो मैं इनको किल कर दूंगा यहाँ पे अंडर। ये देखिए दोस्तों, और अभी भी नॉकआउट नहीं हुआ। ये देखिए, ये वो मेरे पे गोलियाँ मार रहा है, और ये देखिए दोस्तों मैंने उसको नॉकआउट कर दिया। और एक बंदा और छुपा हुआ है कहाँ पे, और ये देखो ये मेरे को यहाँ शूट कर रहा है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दौड़ रहा है, और मैं इसको किल कर दूंगा। यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, आप देख सकते हो दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको भी नॉकआउट कर दिया, आई मीन टू से किल कर दिया। और मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 7 किल, और 7 किल के साथ है दोस्तों, आप लोग मेरी हेल्थ देख सकते हो थोड़ी सी कम है, तो चलिए मैं हेल्थ फिर से रिकवर कर लेता हूँ। दोस्तों इस गेम में आप लोगों के पास जितने मतलब मेडिकिट होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अभी तक तो मैंने VS का भी यूज़ किया है, और 7 किल हो चुके हैं, देखते दोस्तों और मैं कितने किल कर पाता हूँ इस गेम में। और मुझे नहीं पता अभी एनिमी कहाँ पे हैं, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार गेम खेला है, मुझे इस गेम के बारे में पूरा नहीं पता। और YouTube पे आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी कि भाई ये गन अच्छी है, वो गन अच्छी है, मेरे को बेसिकली इस गनों के बारे में भी नहीं पता कौन सी गन कितनी अच्छी है, और कौन सी गन का क्या एमओ आता है, कौन सा मजल किस गन पर अप्लाई होता है, और किस तरह से स्कोप वगैरह अप्लाई होते हैं, वो मेरे को कुछ नहीं पता। और आप लोग अगर मेरे साथ खेलोगे तो शायद मैं आप लोगों के साथ खेलना सीख जाऊँ, और आप लोग मेरी मतलब जब भी मैं खेलूँ तो आप लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और मेरी आईडी है अनिसाहिर238। तो देखते हैं भाई मुझे आगे और कितने एनिमी मिलते हैं, और आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए चलो मैं उनको भी यहाँ पे मैं किल। के अंदर वापस दौड़ते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं सर्कल पे पहुँच जाता हूँ, और अभी मैंने मतलब एक बंदा किसी ने किल कर दिया, और यहाँ पे 8 लाइव हैं, और मैंने 8 किल किए हैं अब तक मेरा स्कोर है, और मेरी हेल्थ पूरी कंप्लीट है। और चलिए भाई मैं देखते हैं ऊपर की साइड, मुझे शायद लगता है बंदे मिल सकते हैं, और ये शायद कुछ ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पर फिर से किसी ने फायर किया, और मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया। और ये देखिए दोस्तों ये किल कर दूँगा मैं इसको, इसको जाने तो नहीं दूँगा, ये देखिए। लेकिन हाँ ये पेन भी काफ़ी परेशान करता है, अगर आपके पीछे अगर पेन नहीं है तो आप लोगों को हमेशा पेन यूज़ करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पेन की मदद से बच्चा बचता हुआ जा रहा है, और ये देखिए दोस्तों मेरे किल कर दिया, नॉकआउट हुआ, एक अकेली हो गया। दोस्तों मेरे पास हो चुके 9 किल, और अभी 6 बंदे लाइव हैं, 6 बंदे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या फाइटिंग होने वाली है। और ये दोस्तों इस गेम के अंदर भी स्कारल है, तो मैं यहाँ पर स्कारल नहीं ले रहा, और मैं इसी गन के साथ यहाँ पर रहने वाला हूँ, और अच्छी चल रही है मेरे पास एकदम काफ़ी स्मूथ, और मेरे कोई दिक्कत परेशानी आ नहीं रही, और यहाँ पे बंदे दिख नहीं रहे मैं, इसलिए थोड़ी अपने हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। और सर्कल भी मतलब धीरे धीरे पास आ रहा है, तो शायद हो सकता है बंदे आए, और देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर की साइड जाके देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ है कि नहीं, और देखते हैं अभी तो यहाँ पे मेरे को कोई बंदा दिख नहीं रहा है, और हो सकता है कि भाई कोई अगर मैं किसी बंदे को दिखूँ तो मेरे पे फायर करे, और उसको मैं फिर मार गिराऊँ, और मेरे किल थोड़े से और बढ़ जाएँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किल करके दिखाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 9 किल हो चुके हैं, 4 बंदे अलाइव हैं, अब वो 4 क्या तो पूरी स्क्वाड हो सकती है, और मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं सोलो वर्जन है, आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि मैं स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो अगर वो बंदे 4 हुए तो मेरे को शायद ईजिली किल कर देंगे, अगर थोड़े मतलब कमज़ोर टाइप बंदे हुए तो ओबियसली मैं उनको यहाँ पे किल कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट एड किट
उठा लेता हूँ। और यहाँ पे फार्मा नाम की गन पड़ी हुई है, कैसी है मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और शायद मेरे को जहाँ तक डाउट है, इस घर के पीछे की साइड कुछ बंदे हो सकते हैं, तो अभी मैं आई एम श्योर नहीं हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को लगता है यार फाइटिंग हो चुकी है। और देखिए दोस्तों मेरे पे यहाँ पे किसी ने फायर करना स्टार्ट कर दिया, और अभी तीन बंदे अलाइव हैं और एक मेरे पे फायर कर रहा है। मैं इसको अभी यहाँ पे जाके मार देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने VS लगा ली, और मैं अभी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसको किल कर दूँगा, क्योंकि देखिए मेरी यहाँ पे हेल्थ एकदम फुल है। और मैंने अपनी गन को रिलोड कर लिया और मैंने ये यहाँ पे जंप लगा दिया, ठीक है। और वो बंदा इसी डायरेक्शन में गया है, तो और अब देखते हैं। अब वो मेरे को पक्का 100% पता है कि मेरे को मारने के लिए रिटर्न यहीं पे कहीं, तो ये मेरे को मारने के लिए था। तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए किल कर दिया। और इसके अंदर जो इसके पास इसने एमओज वगैरह गन वगैरह वेपन्स ले रखी है, शायद मुझे इनमें से किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपनी इन्हीं जो भी मेरे पास है इन्हीं के साथ में रहने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई दोस्तों, अभी 2v2 का मैच है यहाँ पे, एक बंदा लाइव है और मैं एक यहाँ पे लाइव हूँ। देखते हैं वो बंदा मुझे मार पाता है कि नहीं मार पाता, और हो सकता है मैं उस बंदे को किल कर दूँ या बंदा वो मेरे को किल कर दे। शायद वो ड्रॉप लूटने गया होगा, क्योंकि पबजी में शायद सब मतलब ड्रॉप लूटते हैं। तो यहाँ पर मेरे को कुछ दिख रहा है, यहाँ पर वो सोया हुआ तो नहीं है। तो एक्चुअली दोस्तों ये कुछ हो रही है और बंदा नहीं है यहाँ पर, शायद ये हेल्थ किट पड़ा हुआ है, तो कह नहीं सकते वो बंदा कहाँ पे छुपा हुआ होगा। और भाई प्रो बंदा हुआ तो हो सकता है मेरे को मार भी दे। और दोस्तों 12 किल तो नहीं हो पाए अगर मैं उस बंदे को मार देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे M249 करके गन है, मैं वो ले लेता हूँ अब यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे, और मैं उसकी एमओज वगैरह यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने अपनी जो VS गन थी उसको फेंक दिया, क्योंकि मुझे VS की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शायद शॉर्ट कॉम्बेट वाली फाइट होने वाली है, और इसके लिए हमें एक ज़्यादा वेपन हो वो गन चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मैंने पबजी के अंदर से जाना है, क्योंकि पबजी के अंदर आप लोगों को पता है ड्रॉप के अंदर से जो गन मिलती है उसके अंदर एक साथ हम 100 बुलेट्स डाल सकते हैं। तो मेरे को अभी गन का नाम तो मुझे नहीं पता, शायद मैं भूल गया हूँ कौन सी गन है, क्योंकि मैं पबजी ज़्यादा नहीं खेलता। लेकिन आप पबजी के अंदर देखिए दोस्तों मैंने उस बंदे को फाइंड कर लिया, ठीक है, और मैंने उसको 2-3 शॉट मार भी दिए। और यहाँ पे ये देखिए वो मशरूम टाइप भी था, ये देखिए देखिए आप देख सकते हो दोस्तों इसका पैन इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसको मैं इजीली किल कर दूंगा। और अब मुझे पता चल गया कि अब ये मेरे से डर के भाग रहा है, और बस अब यही है। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे चुपचाप खड़ा है, और मैं अब इसको थोड़ा सा पाँव से और मारूंगा। और दोस्तों मैं ये देखिए यहाँ पे इजीली विन हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों आगे हम पबजी की और सारी गेमों की लाइव स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं।